उनको मैं क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करता हूं। साथियों, अपने शहीदों के प्रति आदर भाव रखते हुए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो दिल्ली में सरकार है, ये अपनी आवारगी से बाज नहीं आ रही है। देश की दौलत को औने पौने दाम पर बेचने का जो सिलसिला हो गया है, सार्वजनिक क्षेत्रों को तबाह करने की जो तैयारी हो रही है, हमारे बाप दादाओं ने जो टैक्स से पैसा जमा करके लाखों लाख करोड़ रुपए की जो सार्वजनिक संपत्ति पैदा की, आज उस सार्वजनिक संपत्ति को देश के कॉर्पोरेट घरानों के हाथ कौड़ियों के मोल बेचने की जो साजिश शुरू हो गई है, उसके खिलाफ देश के किसान, देश की ग्रामीण जनता आज हथियार लेकर के, झंडा लेकर के देश की हिफाजत करने के लिए उठ खड़ी होगी। इसमें नरेंद्र मोदी जी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। लोग पूछते हैं, आपने सही नारा दिया है, आपने बिल्कुल सही नारा दिया है, ईमान और इंसाफ की लड़ाई में किसान और गांव के लोग पीछे नहीं हटेंगे। और ठीक बलबीर सिंह चीमा ने वो गीत लिखा था, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे। ये लड़ाई किसानों को सिर्फ नहीं है, खेत मजदूरों की नहीं है, गांव के लोहार बढ़ई चमार जूता गाँटने वाले, मैला ढोने वाले, कपड़ा पीनने वालों की लड़ाई नहीं है, ये कल कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की लड़ाई है, ये रेल में काम करने वाले चक्का चलाने वाले लोगों की भी लड़ाई इस देश का किसान लड़ रहा है। ये बात मोदी जी समझ लीजिए। और हम ये कहना चाहते हैं, देश की दौलत तो हल से पैदा होती है ना, हल जो किसान चलाता है, उम्मीदों की चट्टानों के नीचे से बहुत मधुर पानी निकलेगा। लड़ाई जारी रहनी चाहिए, लड़ाई पीछे नहीं हटनी चाहिए। देश बंद 25 सितंबर को होगा, जब लोग समझेंगे लड़ाई कैसी है। ये जो हल है ना, देश की समस्याओं का भी हल हल से ही निकलेगा, अब और किसी रास्ते से नहीं निकलने वाला। इसलिए अपनी एकता को और फौलादी बनाइए और मजबूत बनाइए। हम ये आपसे कहकर के अपनी बात खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई सारे धर्मों के लोगों को साथ लेकर है, सारी जातियों के लोगों को साथ लेकर है, गांव और शहर के लोगों को साथ लेकर के है। हमारी लड़ाई छोटे मझोले सीमांत गरीब किसान, छोटे बुनकर, हमारी लड़ाई छोटे। आज शहर में गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, सड़कें भी हैं,
नल का पानी दिया, अस्पताल में ठंडा डाक्टर दिया और शुरू है। ये सब गांव में नहीं है, यहाँ आज भी 82 जिलों में भी खेती किसानी देश के अंदर, लेकिन आज भी हम सब कुछ करने के लिए किसान होने का लोग गांव से जो भागते हैं ये नमो किया विज्ञान के साथ खेती को और बाजार के अंदर उसके शब्द को पढ़ाओ। नेशनल अवार्ड याफ्ता अहसन अंसारी की मुरतब करद तमाम मुकाबला जाति इम्तिहान के लिए एक नायाब नुस्खा उर्दू कंपटीशन बुक और विश्व दर्पण में नारी अब महज 300 रुपये में। जल्दी करें। मोमिन अंसार सभा कौमी सदर अकरम अंसारी पेश कर रहे हैं। मिलने का पता अहसन अंसारी डोमनपुरा हिब्बा मऊ।